अभी हाल ही में मेरे पास एक मरीज थे राहुल, जो 38 साल के थे, मेरे पास आए। राहुल को पिछले 2 साल से इरेक्शन में समस्या थी, दवाइयां भी काम नहीं कर रही थी, शादीशुदा जिंदगी पर उसका असर पड़ने लगा था। लेकिन सिर्फ 6 सेशंस के बाद राहुल की जिंदगी पूरी तरह बदल गई है। ना सिर्फ उनका आत्मविश्वास वापस आया है, बल्कि उनकी परफॉर्मेंस भी पहले से बेहतर हो गई है। तो बिना दवा, बिना सुई, बिना सर्जरी के थेरेपी के कुछ सेशन से आप अपने लिंग को ठीक कर सकते हो। तो जो कभी अपने दम पर खड़ा रहता था, अब उसे सहारे की जरूरत क्यों पड़ रही है? अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा है तो घबराइए मत। अब एक ऐसी तकनीक आ चुकी है जो बिना दवा, बिना सर्जरी और बिना दर्द के आपकी खोई मर्दाना ताकत, यस, आपके इरेक्टाइल डिस्फंक्शन को ठीक कर सकता है। और उसका नाम है LISWT, लो इंटेंसिटी शॉक वेव थेरेपी। आपके लिंग पर लगेंगे झटके ताकि आप बिस्तर पर मारे झटके। अब सुनने में थोड़ा अजीब लग सकता है, लेकिन यही है LISWT का कमाल। हल्के शॉकवेव मतलब साउंड की वेव्स जो आपकी नसें मजबूत होती है, जिससे आपके लिंग का ब्लड फ्लो बढ़ता है और इरेक्शन पहले से कहीं ज्यादा मजबूत हो जाता है। अभी हाल ही में मेरे पास एक मरीज थे, राहुल बदला हुआ नाम है, जो 38 साल के थे, मेरे पास आए। राहुल को पिछले 2 साल से इरेक्शन में समस्या थी, दवाइयां भी काम नहीं कर रही थी, शादीशुदा जिंदगी पर उसका असर पड़ने लगा था। लेकिन सिर्फ 6 सेशंस के बाद राहुल की जिंदगी पूरी तरह बदल गई है। ना सिर्फ उनका आत्मविश्वास वापस आया है, बल्कि उनकी परफॉर्मेंस भी पहले से बेहतर हो गई है। और ये कमेंट, ये जो इंप्रूवमेंट है, इसका जो बताने वाला है वो राहुल नहीं, वो उनकी वाइफ है। तो शॉकवेव थेरेपी एक कमाल की थेरेपी है। ये बिना किसी साइड इफेक्ट के, बिना किसी दवाइयों के ब्लड फ्लो को बेहतर बनाएगी। आपके अंदर नए टिश्यूज, नए ब्लड वेसल्स बनाएगी। जो लिंग बेकार हो गया है, खराब हो गया है, मुरझा गया है, उसको ठीक करेगी। इस वीडियो को लास्ट देखना, क्योंकि लास्ट में एक बोनस टिप है कि किस तरीके से आप शॉकवेव की इंप्रूवमेंट को, रिजल्ट को और भी बेहतर कर सकते हैं। ये आपको कोई नहीं बताएगा, हम आपको बताएंगे, क्योंकि हम है डॉक्टर विजय गोविंदा गुप्ता, इंडिया के नंबर 1 मेंस हेल्थ सर्जन। आज मैं आपको इस ट्रीटमेंट के बारे में बताने जा रहा हूँ जो ईडी या नपुंसकता के इलाज में क्रांति ला रहा है। पूरे वर्ल्ड में ये अप्रूव हो गया है। शॉक वेव को पहले गेन्स वेव भी बोलते थे, पर शॉक वेव यानी लो इंटेंसिटी थेरेपी आज FDA अप्रूव हो गया है। मशीनें आ गई है जो एक से एक बढ़ के मशीनें हैं, और इसका रिजल्ट ट्रूली चमत्कारी है। तो ईडी जो है, इरेक्टाइल डिस्फंक्शन है, वो आजकल एक आम समस्या है। 30 साल में स्टार्ट हो जाती है। रिसर्च के अलावा भारत में हर 3 में से 1 आदमी को किसी न किसी रूप में ईडी है। हमें लगता है कि जिस दिन लिंग पूरा ही खराब हो जाएगा, लिंग खड़ा होना ही बंद हो जाएगा, उस दिन इलाज कराएंगे। ऐसा नहीं है। ईडी नॉर्मली अर्ली स्टेज में बहुत जल्दी क्योर हो जाता है। अगर आपको थोड़ी भी समस्या है, थोड़ा इरेक्शन कम हुआ है, थोड़ा लिंग में हार्डनेस नहीं आ रही है, थोड़ी टाइटनेस नहीं आ रही है, तो शॉकवेव थेरेपी आपके लिए कमाल कर सकती है। पर उसके लिए आपको अपनी शर्म और झिझक छोड़नी पड़ेगी। आपको इसका इलाज कराना पड़ेगा। और इलाज मतलब ये आपके प्रैक्टो से कॉल करके और आपके ये ऑनलाइन फकीरों से बात करके, हकीमों से बात करके नहीं होगा। ऑनलाइन बात करके आपने कुछ दवाई लिखवा ली, उससे नहीं होगा। मसाज कीगल घर पे करो, थोड़ा एलार्जिनिन स्टार्ट करो, नैनो कुरकुमिन लो, विटामिन डी ठीक करो, हो सकता है ठीक हो जाए। थोड़ी लाइफस्टाइल इंप्रूव करो, घर पे कर सकते। पर अगर आपको नहीं इंप्रूवमेंट आ रहा है, या आपको लगता है कि नहीं मुझे इसको ठीक कराना है, तो बिना दवा, बिना सुई, बिना सर्जरी के शॉक वेव थेरेपी के कुछ सेशन से आप अपने लिंग को ठीक कर सकते हो। तो आइए समझते हैं कि ये शॉकवेव थेरेपी होती क्या है, ये शॉकवेव थेरेपी करते कैसे हैं, ये शॉकवेव थेरेपी कहाँ का अवेलेबल है, इसकी कौन सी अच्छी मशीनें हैं, सब बताऊंगा आपको। मेरा इस शॉकवेव थेरेपी के बारे में पुराना एक वीडियो भी है जो काफी पुराना हो गया है, YouTube ने दबा दिया उसको, आप उसको लिंक में देख सकते हैं। पर हम आज के वीडियो में बात करेंगे इरेक्टाइल डिस्फंक्शन क्यों होता है, शॉर्ट में शॉकवेव क्या है, कैसे काम करेगी, रिसर्च और साइंस क्या कहती है, ऐसे तो नहीं कि आपका चूतिया बना रहे हैं, ट्रीटमेंट कैसे होता है, फायदे और साइड इफेक्ट्स, और इसका कॉस्ट, और इसका कॉस्ट पूरे वर्ल्ड में सबसे कम है, शॉकवेव का फायदा कौन कौन मरीज उठा सकते हैं। और इस वीडियो को पूरा देखोगे तो आपको लास्ट में मिलेगी एक बोनस टिप जो आपके रिजल्ट्स को दुगना कर देगी। तो लेट्स स्टार्ट, बिना शर्माए, बिना झिझके आइए स्टार्ट करते हैं। तो पहले समझते हैं कि इरेक्टाइल डिस्फंक्शन आखिर होता क्या है। जब लिंग में पर्याप्त ब्लड फ्लो नहीं होता तो उसे इरेक्टाइल डिस्फंक्शन बोलते हैं। नसों में ब्लॉकेज हो सकती है, डायबिटीज, हाई ब्लड प्रेशर, मोटापा, धूम्रपान से होता है, स्ट्रेस, एंग्जाइटी, नींद की कमी से होता है, एक्सरसाइज की कमी से होता है। पर रिसर्च बताती है कि ईडी का मुख्य कारण होता है, सबसे इंपॉर्टेंट कारण ब्लड फ्लो में कमी है। उसको बोलते हैं एंडोथेलियल डिस्फंक्शन, मतलब चीजें खराब नहीं हुई है पर खराब होने की तरफ है। और यहां पर काम आती है शॉकवेव थेरेपी या LISWT, लो इंटेंसिटी शॉकवेव थेरेपी। तो LISWT में क्या होता है कि एक मशीन है, एक खास तरह की मशीन होती है, दो तरह से आती है, ये हाइड्रोलिक भी होती है और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक भी होती है। ये बेसिकली जनरेट करती है शॉकवेव्स। ये शॉकवेव साउंड की वेव्स होती है जो पेनिस के अंदर जाती है और कुछ चेंजेस करती है। ये शॉक दो तरह की होती है, रेडियल मतलब जो अंदर से बाहर की तरफ जाए, और फोकस्ड जो बाहर से अंदर की तरफ आए। तो जो अच्छी मशीन है उनमें दोनों ऑप्शन
ऑप्शन होते हैं रेडियल के भी और फोकस के भी, पर अच्छी मशीनें महंगी होती है तो इलाज के बाद बहुत महंगा हो जाता है। हमारे सेंटर में हर तरह की मशीन अवेलेबल है, फोकस भी है, रेडियल भी है, प्लस हमारे सेंटर पे उनके खर्चे भी काफी लो है, हम बाद में बात करेंगे। पर जब हम ये मशीन की जो रेडिएशन है, जो शॉक वेव है, जब लिंग में जाती है, आपका लिंग स्टार्ट होता है हड्डी से और पूरा बाहर तक आता है, जब इसके हर कोने कोने में इन शॉक वेव्स को डालते हैं तो एक चीज करते हैं, इसको बोलते हैं नियो वैस्कुलराइजेशन। ये वर्ड समझिए, जो ब्लड सप्लाई खराब हो गई है उसको नया बनाना, जो ब्लड सप्लाई खत्म हो गई है उसको नया उगाना, इसको बोलते हैं न्यू वैस्कुलराइजेशन। मतलब कि जो शॉक वेव है जाती है, जो टिश्यूज डैमेज हो गए हैं उनको डैमेज करती है, डैमेज करती है तो बॉडी वहां पर इन्फ्लेमेटरी मार्कर रिलीज करती है, जो कोशिश करते हैं कि इन टिश्यूज को फिर से निर्माण करे और फिर वो टिश्यूज वापस ग्रो करते हैं, जिस कारण से आपके पेनिस में फिर से ब्लड सप्लाई चालू होती है। सेकंड फायदा है कि जो डायबिटीज की वजह से प्लाक्स बन गए, क्लॉट्स बन गए, ब्लड सप्लाई में रुकावट आ गई है, उनको तोड़ती है, उनको हटाती है ताकि पेनिस के अंदर ब्लड सप्लाई बढ़े। जो पेरोनीज की प्लाक्स है उन्हें फ्रैक्चर करती है ताकि पेनिस में इंप्रूवमेंट आए। तो शॉक वेव ब्लड फ्लो बढ़ाती है, नई रक्त वाहिका या नई आर्टरीज का निर्माण करती है, जो नर्व्स कभी खराब हो गई है, जो टाइमिंग के पेशेंट्स को प्रॉब्लम आ रही है उनकी नर्व्स ठीक करती है। और शॉक वेव अगर आप प्रॉपर्ली कराओ तो कुछ समय में आपके पेनिस को रिजुविनेट और रिहैबिलिटेट कर देती है। ऑब्वियसली शॉक वेव के साथ में हम बोनस टिप की बात करेंगे, किस तरीके से आप मसाज से, कीगल से, मेडिकेशन से इसका और फायदा ले सकते हैं। पर शॉक वेव जहां तक है आपके लिंग को कंप्लीटली ठीक करेगी, और ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये रिसर्च कह रही है, रिसर्च यस। यूरोपियन न्यूरोलॉजी की स्टडी के मुताबिक 75% पुरुषों को शॉक वेव में 6 हफ्ते के अंदर ही सुधार दिखा। अमेरिकन न्यूरोलॉजिकल एसोसिएशन AUA दुनिया की सबसे बड़ी एसोसिएशन कहती है कि हाँ ये सुरक्षित है, प्रभावी है, ये सेफ है, इफेक्टिव है। और बहुत स्टडीज आ गई है जिन मरीजों को वायग्रा 100 mg वायग्रा काम नहीं कर रही थी उनको शॉक वेव के बाद बेहतरीन रिजल्ट्स मिले। तो शॉक वेव ट्रीटमेंट चलो बहुत बढ़िया डॉक्टर साहब, होता कैसे है? तो शॉक वेव के सेशन नॉर्मली 15 से 20 मिनट के होते हैं, ये नॉर्मली डॉक्टर या टेक्नीशियन करते हैं। इसमें एक प्रोब होता है जो मशीन से अटैच होता है जो शॉक वेव जनरेट करता है। ये बिल्कुल पेनलेस प्रोसीजर होता है, इसमें जो आपकी एनेस्थीसिया की रिक्वायरमेंट नहीं होती, आपको लटाते हैं, आपके पेनिस को स्ट्रेच करते हैं और आपके पेनिस को प्री अपॉइंटेड एरियाज में थेरेपी मिलती है। इसमें रेडियल और फोकस के बीच में ऑल्टरेशन होता है। थेरेपी स्टार्ट करने से पहले एक डीप टिश्यू मसाज होती है जिसकी अलग मशीन होती है, और थेरेपी के बाद कुछ एडवाइस मिलती है जो फॉलो करनी होती है। तो टोटल प्रोसीजर ड्यूरेशन 20-30 मिनट्स का होता है, पर नॉर्मली 2 या 3 दिन के बाद फर्क आना स्टार्ट लगता है। मॉर्निंग इरेक्शन फिर से मिलेंगे, हार्डनेस आनी शुरू होगी, पेनिस में पूरा उछाल आएगा, जब आप उसको देखोगे तो इरेक्शन आएगा। पर सिर्फ शॉक वेव की मशीन से मरीज ठीक नहीं होते, शॉक वेव को करने का तरीका भी आना चाहिए, शॉक वेव का पोस्ट ऑपरेटिव पोस्ट फॉलो भी होना चाहिए। हमारे देश में प्रॉब्लम क्या है कि अगर कोई मशीन है तो कोई ना कोई टेक्नीशियन मशीन को लगा के सस्ते में काम शुरू कर देता है। हमने वैसे ही रेट बहुत कम कर रखे हैं, पर कई मरीज आते हैं कि सर हमने शॉक वेव यहाँ कराया था, वहां कराया था, फायदा नहीं हुआ। क्योंकि आपने शॉक वेव कराया नहीं, आपने सिर्फ अपने लिंग पे मशीन लगवाई। शॉक वेव एक प्रॉपर टेक्निक है, आपकी ना तो असेसमेंट प्रॉपर हुई, आपको जरूरत नहीं है पता नहीं, आपके साथ ना कोई प्रॉपर दवाई स्टार्ट हुई, ना कोई सप्लीमेंटेशन हुआ, ना आपके पेनिस को रिहैब किया, तो आपको हो सकता है कि फायदा ना आए। तो शॉक वेव के नाम पे भराइए मत, प्रॉपर सेंटर पे जहां पर डॉक्टर ट्रेंड हो, जहां मशीन अच्छी हो, जहां पर आपको प्रॉपर पेशेंट का रिजल्ट फॉलोअप मिले, वही शॉक वेव कराइए। नॉर्मली शॉक वेव का एक सेशन की कीमत 4,000 से 6,000 के बीच में होती है। अगर आप बहुत महंगी मशीन यूज करवा रहे हैं तो हो सकता है कि 12,000 रुपए तक भी एक सेशन का खर्चा जा सकता है। मैंने पाया है कि जो 12,000 वाली मशीन है और जो 4,000 वाली मशीन है उसमें ओवरऑल रिजल्ट में बहुत फर्क नहीं है। 12,000 में आप हो सकता है कि 4 सेशन ले पाए, पर 4,000 में हो सकता है कि आप 10 से 12 सेशन ले पाए। तो आप समझिए कि अगर मोर सेशंस ज्यादा इफेक्टिव है एज कम्पेयर कि आप किसी बहुत भारी मशीन से कम सेशन कराएं। यही जो मशीनें हम इंडिया में यूज कर रहे हैं, अगर आप इसको यूएस में, यूके में, कनाडा में, ऑस्ट्रेलिया में, न्यूजीलैंड में यूज करेंगे तो वहां पर एक सेशन के $600 से $800 का खर्चा है, मतलब मोटा मोटा 30,000 से 35,000 से 35,000 रुपए। तो बहुत सारे पेशेंट तो ऐसे है जो सिर्फ शॉकवेव कराने मेरे पास इंडियन ओरिजिन के ऑस्ट्रेलिया से, यूएस से आते हैं, उनका आना जाना, घर में मिलना, होटल, फ्लाइट, खाना भी उनको सस्ता पड़ जाता है एज कम्पेयर टू ये सेशन यूएस में कराने से। तो आपको इंडिया में ये ट्रीटमेंट 10 गुना सस्ता मिल रहा है, 10 गुना सस्ता मिल रहा है, तो आप एंजॉय कीजिए, फायदा उठाइए, कराइए। आपको जब एक शॉकवेव थेरेपी है जो पूरे वर्ल्ड में यूज हो रही है और आपको आपके देश में इतनी बढ़िया थेरेपी सस्ते मिल रही है तो उसे कराइए। कौन करवा सकता है शॉकवेव? मेरे पेशेंट आते हैं, सर मैं बिल्कुल नॉर्मल हूँ, एकदम ठीक हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेरा लिंग एकदम फर्स्ट क्लास है, मैं शॉकवेव करा लूँ? नहीं, शॉकवेव एनहांसमेंट थेरेपी नहीं है, पी शॉट एनहांसमेंट थेरेपी होती है, शॉकवेव एनहांसमेंट थेरेपी नहीं है। अगर आपको कमी है तो ही कराइए, अगर आपको कमी नहीं है तो शॉकवेव कराने से कुछ बेटर नहीं हो जाएगा, आप बेटर हो तो बेटर नहीं हो जाएगा। पर जिन लोगों को दवाइयां काम नहीं कर रही है या दवाइयां
छोड़ना चाह रहे हैं, डायबिटीज के मरीज, हाई बीपी के मरीज, हार्ट प्रॉब्लम के मरीज, जो इरेक्शन की समस्या झेल रहे हैं, पेरोनीस के मरीज, टेढ़ेपन के मरीज, प्लाक के मरीज, जिनके अंदर लिंग खराब हो गया है, जिनके अंदर मॉडरेट टू माइल्ड ईडी है, जो दवाइयां छोड़ना चाह रहे हैं, दवाइयां बहुत हाई डोज पे ले रहे हैं, इन सब मरीजों में शॉक वेव से फायदा मिलेगा। अगर दवाई ज्यादा है तो डोज कम हो जाएगी, डोज कम है तो डोज बंद हो जाएगी, अगर डोज नहीं ले रहे हैं अभी प्रॉब्लम शुरुआत हुई है तो बेटर हो जाएगी, मास्टरबेशन किया है, लिंग नीट पूरा टाइट हो रहा है तो ठीक हो जाएगा। तो शॉक वेव आपके पेनिस में 20-30% इंप्रूवमेंट हार्डनेस में, टाइमिंग में और साइज में ला सकता है। आपने पूरा वीडियो देखा, थैंक यू। अब आप आओ बोनस पे, क्योंकि हमने बता दिया पूरा शॉक वेव के बारे में, अब हम बोनस टिप में बताएंगे कि अगर आपको शॉक वेव के रिजल्ट्स को और भी बेहतर करना है तो उसके साथ ऐड कीजिए पिनाइल मसाज। यस, शॉक वेव के साथ अगर आप पिनाइल मसाज प्रॉपरली करते हैं, प्रॉपर पिनाइल मसाज के ऑयल से करते हैं, प्रॉपर पिनाइल मसाज करते हैं, तो आपको शॉक वेव का रिजल्ट फास्टर मिलेगा, 2-3 गुना बेटर मिलेगा और लॉन्ग टर्म के लिए मिलेगा। हो सकता है कि आपका शॉक वेव का रिजल्ट 4-5 साल भी ठीक चले। तो अगर आप भी इरेक्टाइल डिसफंक्शन से छुटकारा पाना चाहते हैं, एक गंदी बीमारी से छुटकारा पाना चाहते हैं, तो शॉक वेव के लिए आज ही अपॉइंटमेंट लीजिए। नीचे दिए गए नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं, कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मेरे शॉक वेव के इरेक्टाइल डिसफंक्शन लेटेस्ट ट्रीटमेंट्स के और भी वीडियोज है जो लिंक में दिए गए हैं। सेक्स लाइफ को दोबारा अच्छा कीजिए, क्योंकि खुशहाल जिंदगी का रास्ता बिस्तर से ही जाता है। हाँ, अगर आपकी वाइफ सेटिस्फाइड है, अगर आप और आपकी वाइफ में संबंध है, प्रेम है, तो ऑब्वियसली आपकी लाइफ हैप्पी रहेगी। कौन मरने चाहता कि सुबह उसकी वाइफ उसके लिए ब्रेकफास्ट बनाए, रात की जो इतनी बढ़िया सेक्स हुआ उसके बाद मॉर्निंग में प्यार हो, दोनों हस्बैंड वाइफ के बीच में एक रिलेशन अच्छा बने। तो अपनी सेक्सुअल लाइफ को ठीक कीजिए, शॉक वेव आपके लिए अच्छा ऑप्शन हो सकता है, पर प्रॉपर डॉक्टर के संरक्षण में, प्रॉपर एंड्रोलॉजिस्ट, यस, MBBS, MS, MCH, प्रॉपर पढ़े लिखे आदमी के अंडर कराइए, जो आदमी ट्रेंड हो, जो आदमी इसकी ट्रीटमेंट करता हो। वीडियो पसंद आई ही होगी तो लाइक कीजिए, प्लीज लाइक कीजिए, ताकि और वीडियो बनाने का हमें भी कॉन्फिडेंस मिले। इसको शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।